नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है MS परदेशी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे बनमनखी अनुमंडल में। बिहार राज्य कर्मचारी यूनियन के द्वारा आज मांग को लेकर SDO बनमनखी, BDO बनमनखी और CDPO ऑफिस में 15 दिन से हड़ताल पे रह रही सेविका सहायिका अपना मांग पत्र सौंपा। अब खबर विस्तार से। पुराने पदों पे सेविका सहायिका का जो पद था उसको भंग कर फिर से चुनाव कर संगठन को मजबूत किया गया, जिसमें और नए सिरे से पदों पे पुनर्गठन का भी कार्य को पूरा करते हुए जिला अध्यक्ष एवं राज्य उपाध्यक्ष अंजू सिंह कुशवाहा, एटक के जिला महासचिव कपिल देव कुमार, जिला कोऑर्डिनेटर अरुण कुमार यादव, भवानीपुर प्रखंड अध्यक्ष पिंकी कुमारी व बबीता कुमारी, जिला महासचिव सुनील कुमार सिंह, इन सभी महानुभावों के द्वारा बनमनखी प्रखंड के बाल विकास प्रांगण में गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें बनमनखी प्रखंड अध्यक्ष रेशमा कुमारी को फिर से चुना गया, उपाध्यक्ष अमित कुमार उर्फ अनिल यादव, उपाध्यक्ष रीना देवी, महासचिव रमेश यादव, सचिव सुबी कुमारी, कोषा अध्यक्ष रीना कुमारी, प्रखंड संरक्षक रिंकू यादव, उप संरक्षक अशोक मेहता, कार्यकारिणी सदस्य तारिक अनवर, कुमारी संजना, सलेहा खातून, सरिता कुमारी, उषा कुमारी, मधु कुमारी, संगीता कुमारी, रेणु कुमारी, कुमारी संगीता, बबीता कुमारी, नेहा कुमारी और संयोजक अभय पासवान उर्फ डब्बू, पंचायत समिति सदस्य, ये सभी सेविका सहायिका द्वारा सर्वसम्मति से गठन किया गया, जो कि बनमनखी का कार्यभार दिया गया। और ये भी बता दूं कि इस विशेष सहायिका का कार्यभार गुड़िया गुप्ता को दिया गया है। हड़ताल जारी है और सहायिका सेविका दोनों एक साथ मिल के नारा लगा रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मनोबल को बढ़ाने के लिए, हम लोगों को साथ देने के लिए आज हमारे भी आए हुए सारे पदाधिकारीगण हैं, सब हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे। हमारे सारे हमारी लड़ाई के आगे क्या हम लोगों को करना है वो हम लोगों को प्रेरित करेंगे। अंधी दिखा हम लोग जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। एकता को दिखाते हुए अपने धरना प्रदर्शन को सफल करेंगे और सरकार से जीत हासिल करेंगे। इस बार आर्या पार की लड़ाई है। सरकार कितने को चयनित करेगी? 1, 2, 3, 4। बिहार में 1,15,000 आंगनबाड़ी सेविका है, कितने को चयनित करेंगी? वो चयनित किसी का नहीं हो सकेगा। इसलिए सरकार के धमकियों से डरना नहीं है, अपना आंदोलन जिस तरह से चल रहा है अपने आंदोलन को सफल बनाना है और कामयाबी जरूर मिलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। नीतीश कुमार खोलो कान, नीतीश कुमार खोलो कान। स्वागत करने के लिए आप तमाम सेविका सहायिका दीदी और अभिभावक मीडिया बंधु का तहे दिल से मैं राज्य कमेटी और नेशनल काउंसिल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और लगातार 29 सितंबर 2023 से ही 13 अक्टूबर 2023 तक हम लोगों का लगातार परियोजना कार्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी है और वो हो भी रहा है, प्रत्येक परियोजना में हो रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी कार्य होता है वो आंगनबाड़ी सेविका को, केंद्र सरकार का हो काम या राज्य सरकार का कोई हो काम, वो आंगनबाड़ी सेविका को दे दिया जाता है। इस बार आर्या पार की लड़ाई है, इस बार किसी का नहीं सुनेंगे। जो हमारे मानदेय जो हमें बेहतर मान करेंगे हम उसी सरकार के साथ है, नहीं तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस बार दोनों सरकार को हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे। यह हम लोगों का आंदोलन है। अरे काम करते हैं सरकार का, कोई काम हो, जनगणना हो, पशु गणना हो, चाहे कोई भी काम हो वह करते हैं। हम भी सेवा में रहे हैं 30 वर्ष तक, 1 टका नहीं किसी से लिए है न दिए है। सुनने में आता है आप एस को पैसा देते हैं, क्यों दीजिएगा पैसा? किसको बदल हंसा मुक्त कर लेगा? ऐसा संस्था आपके पीठ पर है, आपके साथ है। अगर कोई धमकी देती है LS या सुपरवाइजर या DPO कोई, इनके माध्यम से हम लोग कहिए, उनका हम बेड़े बजा देंगे। कौन खराब पड़ रहा है? खराब हम मेहनत करते हैं,
हमारा भी हाथ हुआ, 6000 में हमको क्या होगा, 6000 में क्या होगा, आपका बच्चा दूर में पड़ेगा, आपका बच्चा डोन बास्को में पड़ेगा, आपका बच्चा आपको जेल में पड़ेगा, मेरा बच्चा क्या इसी मिडिल स्कूल में इसी कतार खाने में पड़ेगा, मेरा भी अरमान है, मेरा भी सुख सुविधा है, क्या मैं झोपड़ी में ही जिंदगी बिता दूंगी, यह नहीं चलेगा। इसलिए आप घूस देना बंद कीजिए, एक टका किसी को नहीं देंगे, हम काम करेंगे, ईमानदारी पूर्वक सरकार का दिया हुआ कार्य करेंगे और तुम्हें पैसा नहीं देंगे, यह संकल्प लेकर के आ जाइए यहाँ से, और आपके साथ हमें किसी का मजाल नहीं है, कोई चैन मुक्त कर देगा। यह बात कहाँ से आती है साहब, आपके जो CDPO है या LS है बारम्बार धमकी देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बारम्बार कोई बात होती है तो चैन मुक्त कर दूंगा, क्या वही नियुक्ति किए हैं, क्या वही नियुक्ति किए हैं चैन मुक्त कर देंगे, या कौन सा तो हम शोषण की राजनीति करते हैं आप लोग, मैंने कहा था आप उसका नाम तो दीजिए कौन इस तरह की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं जो आप लोग बिल्कुल मुस्तैदी से अपने कार्य पर रहिए, ड्यूटी पर रहिए, और इस आंदोलन में एकदम आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए, और जो प्रोग्राम बनाएंगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे उसमें आप लोग सहयोग लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप साहब साथियों का लाल सलाम पेश करते हैं।